देखिए इधर, ये है च। कौन सा व्यंजन है ये? च। तो च से कौन सा चित्र आता है, कौन सा शब्द आता है? चम्मच। च से चम्मच, च से चटाई, च से चम्मच, च से चटाई। उसके बाद आता है छ। छ, छ से छाता। छाता यानी कि क्या? अम्ब्रेला। छ से छाता, छ से छड़ी, छ से छाता, छ से छड़ी। और उसके बाद में आता है ज। ज से क्या होता है? जहाज। ज से जहाज और ज से जग। ज से जहाज, ज से जग। और ये है झ। झ, झ से क्या होता है? ये है पानी का झरना। झ से झरना, झ से झरोका। झ से झरना, झ से झरोका। और उसके बाद आता है त्र। ये क्या है? त्र। जैसे कि पत्र, छात्र, ये शब्द लिखते समय हम इस शब्द का उपयोग करते हैं, त्र इस अक्षर का हम उपयोग करते हैं। तो ये सब अक्षर कैसे लिखने हैं ये मैंने आपको पढ़ाया है, मराठी विषय में हमने पढ़ा है कैसे राइटिंग करते हैं इन लेटर्स की। ओके, तो फिर आज हम ये हिंदी में भी सेम वैसे ही लिखना है जैसे कि मराठी में लिखते हैं। ये क्या है? च। सो स्लीपिंग लाइन, हाफ सर्कल एंड स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन। च से चम्मच, च से चटाई। च जैसे हमने मराठी में लिखाई की थी, ठीक उसी तरह से आपको हिंदी में भी लिखना है। च। उसके बाद आता है छ। छ से छाता और छ से छड़ी। छ से छाता, छ कैसे लिखेंगे आप? जैसे कि हम सिक्स छः नंबर लिखते हैं ना हिंदी में, वैसे ही लिखना है और उसे छोटा सा सर्कल ज्वाइन करना है। छ से छाता, छ से छड़ी, इस तरह से आपको ये अक्षर लिखने हैं। उसके बाद आता है ज। ज से जहाज, ज से जहाज, ज से जग। ज, ज से जहाज और ज से ज। उसके बाद आता है झ। झ से झरना, पानी का झरना। ज, ज से झरना और झ से झरोका। जैसे कि हम ई लिखते हैं उसी तरह से झ लिखना है। ई लिख कर उसे छोटी स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन ज्वाइन करके होता है झ से झरना। उसके बाद ये कौन सा अक्षर है? त्र। त्र, त्र, पत्र, छात्र, मित्र, यह शब्द लिखते समय हमें इस अक्षर का उपयोग होता है, त्र। तो बच्चों, आपका आज का होमवर्क क्या है? हमारी जो हिंदी अक्षर लेखन